हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए, किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक कहा जाएगा। आदि प्रवर्तक, जिसने कि सर्वप्रथम प्रवर्तन किया है किसी मत का, आदि प्रवर्तक। भोजन करने के बाद पश्चात बचा हुआ अन्न उच्छिष्ट कहेंगे, उच्छिष्ट, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो, निरापद। जो फूल आधा खिला हो, मुकुल कहेंगे, मुकुल, आधा खिला हुआ फूल, मुकुल। अंक में या गोद में सोने वाला, अंकशाही, अंकशाही कहेंगे। अब रिपीट कीजिए आप मेरे साथ। देखिए, किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक कहा जाएगा। भोजन करने के पश्चात बचा हुआ अन्न उच्छिष्ट कहेंगे, उच्छिष्ट कहेंगे। भोजन करने के बाद जो अन्न बच जाता है उच्छिष्ट कहा जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की हानि ना हो, निरापद, निरापद कहा जाएगा, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो। जो फूल आधा खिला हो, मुकुल कहेंगे। अंक में सोने वाला यानी गोद में सोने वाला, अंकशाही हो गया। थैंक यू।